अभी इनके बच्चे बच्चे किधर है, ये ऐसे ही आ गई तो मतलब बच्चे तो बड़े हैं ना, शादी कर दी शादी कर दी, तो और आप क्या, सासू माँ बन गए अब सासू माँ कुछ और कुछ सासू माँ बन के आप ऐसे घूम रहे हो ऐसे तो क्या कर, ड्रेस अच्छी है इससे क्या, इसमें घर क्या? में तो ऐसे ही रहते हैं। हाँ सही बात है ये भी। हाँ हाँ अच्छी लग रही है। में हुआ यार में तो कैसे हो आप सर, पर्स कहाँ है? डन में लो एक थैली पकड़ लो। तो ऐसी भरी दोपहरी में हम जा रहे हैं, भरी दोपहरी में जा रहे हैं हम। देखो कुछ इसमें इतने सारे कपड़े हैं, कुछ पे मतलब लहंगा लेना है, किसी पे और भी लेनी है, किसी को चेंज कराना है, तो यही सारा काम है आज मार्केट में। तो चलिए मंदिर भी जाना है मार्केट, और वैसे बाहर हम मंगलवार को ही निकलते हैं, इतनी मतलब गर्मी तो लग रही है, लू चल रही है। हाँ सुबह सुबह जाना चाहिए मंदिर, लेकिन सारे काम से फ्री हो के फिर बाद में आराम से ही जाती हूँ, ताकि उधर ही मार्केट का काम भी हो जाए मेरा इस वजह से। और भाई खतरनाक ही गर्मी लग रही है ऐसे जी। गंदा है कैमरा, तो हमारे फैंसी स्टोर पे और भा खरीद रही भा के ये वाली चूड़ियाँ, तो हम यहाँ पे आए छोटे से फैंसी स्टोर में। तो इनमें नहीं बढ़िया ही है, छोटा सा कहाँ से दिख रहा फैंसी, अरे मतलब तो ये वाली चूड़ियाँ। हाँ इसलिए लग रहा है तो ये वाली पसंद आई है भा को चूड़ियाँ। अब मैं लूंगी इयर रिंग्स, तो डबल कैनवासली बना, इसके अंदर गोल्डन कलर जो डलेगा ना तो एकदम कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, मतलब दो तरफ से लाइट को रहने दो आपको, भले ही दो चार इसके साथ अपन गोल्डन कलर की चूड़ी डाल लेंगे ना, इस सेट को इतना भी डालोगे तो ये तो बहुत कम है, या फिर रखो आप ये इतनी नहीं खिल रही, पर हाँ को ये वाला पसंद आया है मुझे भी, ये भी अच्छी अच्छा लगी, अच्छा लग रहा है वीडियो में। हाँ गोल्डन दिखा, तो गंदी शकल हो गए, हम बाजार में घूम के आए काले वाले हो गए बहुत ज्यादा, तो ये मेरी नई टी शर्ट है, ये मैंने पहन ली लास्ट टाइम, तो ऊपर पहन लिया अपना जो खरीद के लाई है वो, और ये बुआ मेरे पूरा बाजार, ये मेरा लहंगा चमकेगा इसलिए ना, चमकता पर ये यूनिक है ना, अभी कलर है ना आपके, और इस पे ये ओढ़नी है क्या बोलते हैं, आजकल ट्रेंड में ये वाली ड्रेसेस, तो फिर और ये तो मतलब था पहले लेकिन पुराना नहीं है, ये भी नया है, इसकी ओढ़नी दिखाई जाए, तो इसकी और नहीं निकालो, ये इसकी और नहीं है, तो ये दो ड्रेस हो गई और एक वो टी शर्ट लेके आया, मैं तो ये लेके आई हूँ ये वाली, और दुआ ये मेरी है, मतलब वो लेके आई थी मैं एक दिन प्लाजो, तो उस पे जो थी ना टी शर्ट वो जची नहीं कुछ, तो ये मैचिंग के लेके आई हूँ, फ्लावर पॉट बनूंगी पूरी, और एक दोनों की एक जैसी ही है पर कलर डिफरेंट, साइज कौन सा इसका? तो देखो ये मेरी नई टी शर्ट है, बताना कमेंट में कैसी लग रही है, रोज ही पूछा कर रहा और क्या, और ये बुआ लाई लिपस्टिक जिसको लाते ही लगा लिया, देख रही हूँ कैसी लग रही है, तो कमेंट में बताना मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है और बुआ कैसी लग रही है, बुआ तो कुछ नहीं लग रही, सब मस्त, और मैं ये कान के भी लेके आई हूँ इयर रिंग्स, बताना कैसे लग रहे हैं, और बुआ बहुत कुछ लेके आई थी जो आपके साथ शेयर कर दिया है हमने, तो कमेंट में बताना बुआ की कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लग रही है, और अभी हम पहले तो बाजार गए थे तो पर तो देखना मैं ऐसी भरी दोपहरी में ऑफिस जाना पड़ रहा है, भरी दोपहरी बोलती रहती है, तो हमको ऐसी गर्मी में अब जाना पड़ रहा है वापस मार्केट, क्योंकि ये बुआ है ना
हम यहाँ ताला लगा के चल गए थे और फिर फूफा जी को कुछ काम आ गया था तो फूफा जी आए, फिर हमने मार्केट का सारा काम निपटा, हमने जो भी शॉपिंग थी वो तो कर ली है, अब मंदिर जा रहे हैं हनुमान जी के। मतलब अभी गए थे उस टाइम, पहले हमें था कि पहले मंदिर चलेंगे फिर शॉपिंग पे चलेंगे, लेकिन वहां से निकल गए और याद नहीं रहा हमें, तो फिर मार्केट में थे तब कॉल आ गई कि कहाँ हो आ जाओ चाबी चाहिए, तो हम लोग वापस आ गए थे और अब जा रहे हैं पूजा करने हनुमान जी के। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ऐसे हम जाजपुर दिखाते रहेंगे आपको, जाजपुर दिखाते रहेंगे। जाजपुर जाने कितनी बार दिखा दिया हमने। हाँ तो हमारा पूरा एड्रेस है, हम रहते हैं जाजपुर में भिलवाड़ा, भिलवाड़ा जिला है ना, यही नहीं पता चलो भिलवाड़ा जिला में हम जाजपुर में रहते हैं, मतलब खुद का डिस्ट्रिक्ट नहीं पता। नहीं नहीं भिलवाड़ा समझदार छोरी, भिलवाड़ा जिला में हम जाजपुर क्षेत्र में रहते हैं नगर। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर और अब हम अंदर जा रहे हैं तो माता जी के क्या हनुमान जी के दर्शन करने। तो ये है बुआ जो कि घुस रही है, तो अब मंदिर में एंट्री हो गई हमारी। हाँ तो नारियल चढ़ा दिया है हनुमान जी के, अब बुआ अगरबत्ती लगा रही है और वो रहा मंदिर हनुमान जी, और इधर पीछे माता जी का है। वो आगे अभी चल रही है पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ रही है। तो अब सिर्फ सब जगह पूजा हो चुकी है, अब हुआ कर रही है शनि महाराज के, ये लास्ट स्थान लग चुका है। तो अब हम जाएंगे घर, तो हम पी के आ चुके हैं जूस, तो हमने वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ थी इसलिए से जो ब्लॉग नहीं शूट नहीं कर क्योंकि सकते। है ना यहाँ पे जो लोग भाग है ना, क्योंकि जो सेजल है उसको बहुत डर लगता है। सुनो तो सही, क्योंकि यहाँ के जो लोग भाग है ना, जिस टाइम फोन अगर ऐसे होता है ना तो इस तरह देखते जैसे कोई यहाँ बंदूक चला रहा हो, तो इस तरह यहाँ पे कैमरा उठा नहीं सकते, यहाँ पे गुनाह है कैमरा उठाना। पब्लिक का रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है देखने को, इसलिए हम ऐसे जहाँ पे कोई रहता नहीं ना वहाँ बनाते हैं। तो जहाँ कोई रहता नहीं है वहाँ व्लॉग शूट करने का क्या फायदा, क्या दिखा रही है फिर तू। और हमारे यहाँ का टैक्सी स्टैंड है भाई ये, यहाँ पे मतलब है ना कौन सा पार्क बोलते हैं इसको, ये तो सर्किट हाउस है और इसके बाहर ही है, मतलब यहाँ पे कार ही कार खड़ी रहती है, वो टैक्सी मतलब टैक्सी स्टैंड वो बोलते हैं इसको सर्किट हाउस। हाँ ये है सर्किट हाउस यहाँ का, मतलब ये सर्किट है सर्किट ऊपर सर्किट हाउस। हाँ अरे तो हम जा रहे हैं हमारे घर, इसको भी चलना हो आ जाइएगा जाजपुर में। और क्या बोले, हमारे पास कुछ है ही नहीं बोलने, पता नहीं ना सेजू को बोलना तो भूल गई, मतलब बुआ तो भूली भूली सेजू भी भूल गई कि ब्लॉग में बोलना क्या है। तो गाइस ऐसे ही यार नहीं बनाते ना तो फिर आइडिया रहता ही नहीं कि क्या बोले कैसे बोले कैसे ब्लॉग बनाए, और आजकल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप तो बताना हम में से कौन अच्छा लगा उपकाराग्रह। तो इधर है थाना, है थाना नहीं है कारागृह जो। हाँ ये वो यहाँ के रहते हैं उपकाग्रह उपकाराग्रह उपकाराग्रह है, तो मतलब तो आगे मिनी जेल मिनी जेल। और इधर हॉस्पिटल है, तो इधर मेडिकलों की दुकान है, और ये रोड पर हम जा रहे हैं, कोई भी नहीं है दूर दूर तक, और एक गाड़ियाँ निकल रही है जो हमें देख रहे हैं और हम भी उन्हें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं हम उन्हें देख रहे हैं, और ऐसे देखते देखते हम घर पहुँच जाए इनका। अभी तो मेरे को थोड़ा बोलती बुआ लड़ाइयाँ करती है ना, आज भी लड़ाई करते करते बचा। हम एक दुकान में गए थे, मतलब वहाँ पे है ना ओढ़नी चेंज कर, ओढ़नी फटी हुई आ गई थी बुआ की, बुआ के मतलब इनके रिश्ते में किसी ने ली थी, तो वो ओढ़नी फटी हुई आ गई, तो हम चेंज कराने गए थे, तो दुकान वाला क्या बोलेंगे यहाँ तो ये चेंज ही नहीं होती, मतलब ये ओढ़नी चेंज ही। तो वो बोला वो चुंदड़ी थी ना, तो वो बोला कि चुंदड़ी चेंज नहीं होती और सब चेंज हो जाते हैं, मतलब फटी हुई उनकी दुकान से आई है वो 450 की थी, फिर भी ऐसे बोल रहा था कि चेंज नहीं हो सकती भाई, ये कौन सी बात है। फिर बुआ को आया गुस्सा, बुआ घुस गई दुकान में सीधा अंदर शेर जी के पास। बुआ का ना जो गुस्सा है वो कहाँ का कहाँ निकल जाता है कभी, इसलिए मैं तो चुपचाप बाहर ही खड़ी थी। बुआ घुस गई अंदर शेठ जी से बात करके आई, शेठ जी ने कहा अभी क्या उनके भीड़ ज्यादा थी, अभी आप गुस्सा मत करो
अभी थोड़ा भीड़ कम होएगी फिर आना क्योंकि हम चेंज कर देंगे। इतनी गर्मी में कौन बार बार जाए। हाँ समझते। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे घर। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना और हमारे व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना, चैनल को शेयर करना और मैं कैसी लग रही हूँ बताना मत भूलना। और हम पहुंच चुके हैं हमारी हवेली पे। तो एंड करते हैं हम व्लॉग का। तो ऐसे हमारे को प्यार सपोर्ट वगैरह सब बनाए रखी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसे अभी घूमगी क्या? नहीं घूमी यार, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी। मिल गई। तो अभी जैसे हम अंदर घुसेंगे ऐसा लगेगा हमें इसी में आए हैं ना। हाँ क्योंकि घर ठंडा रहता है, धूप में जाओ तो अपना घर अच्छा ही लगता है ना यार। सबको अच्छा लगता है, हर किसी को गर्मी में अपना घर अच्छा लगता है। हवा पे हवा आ रही है और तो हम यहाँ पे थोड़ी देर शॉर्ट्स वगैरह बना लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बुआ का भी व्रत है, खाना वाना बनाना। क्या बोल रहे हैं मतलब रुकी पे हम पहुंच चुके हैं घर पे। घर पे और मतलब इतनी गर्मी वर्मी ऐसी भयंकर पड़ रही है कि जितना हो सके कोशिश करो कि अंदर ही रहो घर के। अब मैं तो क्या निकल जाती हूँ मार्केट यार, मैं आज तो पूरे पैसे उड़ा दी, मतलब एक रुपया नहीं बचा पर्स में, मुश्किल से 100-200 रुपए पड़े होंगे। हाँ तो ये परेशानी मेरे साथ है, पैसे आ जाए फिर मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे जिनको 200 रुपए थे जिनको भी उड़ाया ही मैं सिर्फ 200। और इसको भी दिलाई मैंने चीजें, ये दिलाया है इसको, टॉपर दिलाया है, इतने बताना शानदार दो जोड़ी कान के दिलाया है मैंने। तो ये मैंने पहन रखे हैं और एक अंदर पड़े दिखा दिया आपको ब्लॉग। ठीक है मिलते हैं आगे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ ब्लॉग को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। बाय। काट दूं। बोलो। हेलो जी। हेलो गाइज, मैं आई हूँ मेरी बहन के यहाँ। अब हम जा रहे है तैयार होके, अभी मैंने तैयार नहीं हुई, सिंपल ड्रेस पहने घर की। अब हम तो आपको इसमें कंफर्टेबल लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अभी पहनोगे? नहीं नहीं, ससुराल में नहीं पहनते ना, ससुराल कोई भी आता रहे जाता रहे। और अब आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैं पियर हूँ बहन को छोटी का। अच्छा ये ललिता जी के घर जा रही है। और भाटे वाटे छोड़ दिए? अरे भाटे की क्या बात करते है, मैं सब भाटे वाटे नहीं खाती। हाँ तो और बोलो। हाँ? तो आज बोलना भाई, आज मैं तो हमेशा इसको हटा फ्लिपकार्ट को, तो हमेशा आपकी मीरा जी को आपने लेंगे ओढ़नी में देखा होगा। आज आपकी मीरा जी अलग अवतार में है, इसने लोअर टी शर्ट पहन रखा है जो कि हमने मतलब ये नहाई थी और अपने जो भी कपड़े पहनने के वो लेके नहीं आई, तो हमने बोला भाई ये पहन लो आप, कभी कभी चेंज होना चाहिए।